पीएम मोदी ने राहुल पर हमला बोला तो लगे हाथ आज जनता को विश्वास वाली कई गारंटी गिना दी। ये वही गारंटी है जो लगातार पीएम मोदी अपनी हर रैलियों में लोगों को देते आ रहे हैं, जिसकी चर्चा टीवी 9 बार बार करता रहा। और टीवी 9 आपको हर बार ये भी बताता है कि 2024 की ये लड़ाई पीएम मोदी इस गारंटी को आधार बनाकर लड़ेंगे। सुनिए आज उन्होंने लोकसभा में किन किन चीजों की गारंटी दी। ये लोग एक गमनिया गठबंधन, ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है, भारत के दिवालिया होने की गारंटी है, ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये इकोनॉमी को डुबाने की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये डबल डिजिट महंगाई की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये पॉलिसी पैरालिसिस की, ये अस्थिरता की, ये अस्थिरता की, ये करप्शन की, ये करप्शन की, ये तुष्टिकरण की, ये तुष्टिकरण की, ये परिवारवाद की, ये परिवारवाद की, ये भारी बेरोजगारी की, ये भारी बेरोजगारी की, ये आतंक और हिंसा की, ये आतंक और हिंसा की, ये भारत को 2 शताब्दी पीछे पहुंचाने की गारंटी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये कभी भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी नहीं दे सकते। ये मोदी देश को गारंटी देता है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में मैं हिंदुस्तान को टॉप 3 की पोजीशन में लाके रहूंगा। ये मेरा देश को गारंटी है, ये कभी भी देश को विकसित। भले ही इंडिया में शामिल दलों को मोदी सरकार पर अविश्वास हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को पूरा विश्वास है कि 2024 में एनडीए तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगा। प्रधानमंत्री को यह भरोसा उस लाभार्थी समूह से मिला है जिनके लिए उनकी सरकार दर्जनों योजनाएं चला रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन 13.5 करोड़ लोगों की बात की जिन्हें पिछले 5 साल के दौरान गरीबी से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के जल जीवन मिशन का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के जरिए 4 लाख लोगों की जान बच रही है। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की बात की। उन्होंने कहा कि इस योजना से 3 लाख लोगों की जान बचाई गई है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में शौचालय निर्माण की बात की है, जनधन खातों की बात की है, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री मोदी को अपनी योजनाओं और लाभार्थियों पर इतना विश्वास क्यों है, आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताएंगे, लेकिन पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के कुछ अंश दिखाते हैं। बीजेपी लाभार्थियों की अहमियत समझती है। इन्हीं लाभार्थियों ने बीजेपी को 2019 का लोकसभा चुनाव जिताया था। प्रधानमंत्री मोदी को भरोसा है कि 2024 में भी बड़ा लाभार्थी वर्ग जीत की गारंटी बनेगा। 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आईएमएफ अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अति गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जल जीवन मिशन के जरिए भारत में 4 लाख लोगों की जान बच रही है। ये 4 लाख कौन है? मेरे गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवारों के मेरे स्वजन है कि स्वच्छ भारत अभियान से 3 लाख लोगों को मरने से बचाया गया है। गरीब परिवार के लोग, शहरों की बस्तियों में गुजारा करने वाले लोग, गांव में जीने वाले लोग हैं। यूनिसेफ ने क्या कहा है? यूनिसेफ ने कहा है कि
कि स्वच्छ भारत अभियान के कारण हर साल गरीबों के 50,000 रुपये बच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को जीत का मंत्र मई में ही दे चुके हैं। मई में बीजेपी ने मिस्ड कॉल से महासंपर्क अभियान शुरू किया। इसके तहत बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को बीजेपी ने डोर टू डोर कैंपेन चलाकर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का टास्क दिया गया। हमने माँ बेटी को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए, उस मजबूरी से मुक्त होने के लिए शौचालय जैसी जरूरत पर जोर दिया। और तब ये कह रहे क्या लाल किले से ऐसे विषय बोले जाते हैं क्या? क्या ये देश की प्राथमिकता होती है क्या? हमने जब जनधन खाते खोलने की बात की तब भी यही बात निराशा की। क्या होता है जनधन खाता, उनके हाथ में पैसे कहाँ है, उनका जेब में क्या पड़ा है, क्या लेके आएंगे, क्या करेंगे? प्रधानमंत्री 2019 में अकेले बीजेपी को 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 11 करोड़ 94 लाख। मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में एक ऐसा वर्ग तैयार किया है जिसे कई सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है। बीजेपी को लगता है कि यही लाभार्थी उसका कोर वोटर है। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना का फायदा करीब 9.6 करोड़ लोगों को हो रहा है। सरकार की शौचालय निर्माण योजना से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा है। नल से जल योजना का फायदा देश भर के करीब 12 करोड़ से ज्यादा घरों को मिला। स्वास्थ्य बीमा से देश के 50 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा है। जनधन अकाउंट स्कीम के तहत करीब 49 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है। 130 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। मोदी सरकार की मुफ्त अनाज योजना का लाभ देश के करीब 80 करोड़ गरीबों को मिल रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर मुफ्त अनाज पाने वाले कुल 80 करोड़ लाभार्थियों में से 25% ने भी 2024 में बीजेपी को वोट दिया तो ये 2019 में कांग्रेस को मिले वोटों का करीब दोगुना होगा। यही बात प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के विश्वास की वजह है।